गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्मी कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 का रिफ्लेक्शन चैप्टर का आगे का सम सिखाने जा रही हूँ। जैसा कि हम लोग पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, ये जो एक्सरसाइज 10 है रिफ्लेक्शन चैप्टर, इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आप लोगों को कम्प्लीट कराया था, जिसमें आपको मैंने सिखाया था अंडर रिफ्लेक्शन इन दी एक्स एक्सिस, अंडर रिफ्लेक्शन इन दी वाई एक्सिस, अंडर रिफ्लेक्शन इन दी ओरिजन। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। देखिए कैसा है क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, दी इमेज ऑफ ए पॉइंट पी अंडर रिफ्लेक्शन इन दी एक्स एक्सिस इज 5, -2 एंड राइट डाउन दी कोऑर्डिनेट ऑफ पी। बच्चों, आज देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले कभी भी आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा जिसमें ऐसे नंबरिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। हमने यहाँ प्लस प्लस लिख लिया, यहाँ माइनस प्लस लिख लिया, यहाँ माइनस माइनस लिख लिया एंड यहाँ पर फाइव प्लस माइनस लिख लिया। हमारा पॉइंट है 5, -2, तो देखिए ये प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है, तो इसमें आया, बोला गया है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यानी 5, 2 मेरा ये रहा आंसर आया, यानी यहाँ से यहाँ। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बच्चों कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एक्स एक्सिस की अगर बात होती है तो ये पूरा लाइन एक्स एक्सिस है, इसके या तो ऊपर देखेंगे या नीचे देखेंगे, चाहे यहाँ हो तो यहाँ, ओके। तो ये क्वेश्चन जैसे हमने आंसर लिख लिया, यहाँ पर देखिए दी कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज 5, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों, ए पॉइंट पी इज रिफ्लेक्टेड इन दी एक्स एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेज आर 8, 6 एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। मतलब ये है कि एक पॉइंट पी है जिसका रिफ्लेक्शन है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो आया है वो 8, -6 है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर ये प्लस माइनस है, ये पता ही है हम लोगों को कि ये प्लस माइनस का क्वाड्रेंट है, तो ये 8, -6 बच्चों मैंने लिख दिया। बोला गया है कि मेरा ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, यहाँ देखिए क्या लिखा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ गया मेरा 8, 6, तो आंसर भी लिख दिया, दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज 8, 6 आ गया, ठीक है बच्चों। फिर क्या है, जैसा कि जैसे देखिए नेक्स्ट है इसमें, फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ पी अंडर रिफ्लेक्शन इन दी वाई एक्सिस। अब ये जो पॉइंट आ गया बच्चों वाई एक्सिस की बात है, तो ये देखो मेरा पेन जैसे रखा है ना, ये पूरी लाइन भी वाई एक्सिस है, यहाँ से हम यहाँ देखेंगे। जब भी वाई एक्सिस की बात होती है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अभी मेरा यहाँ पर है तो हम इस साइड देखेंगे यानी -8, 6। देखिए आंसर भी लिख दिया, दी इमेज ऑफ ए इमेज ऑफ पी 8, 6 अंडर रिफ्लेक्शन इन दी वाई एक्सिस इज -8, 6 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि देखिए ए पॉइंट पी इज रिफ्लेक्टेड इन दी ओरिजन कोऑर्डिनेट, इन दी ओरिजन कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेज आर 2, -5। कोई पॉइंट पी है जिसका इमेज हमें पहले ही दे दिया भाई 2, -5 है। जैसे कि देखिए मेरा पॉइंट पी है, ये देखिए ये मेरा पॉइंट पी है, पी हमको नहीं पता उसका इमेज है, सॉरी ये मेरा पॉइंट है, तो मेरा पॉइंट क्या है 2, -5। अब बोला गया भाई ये जो इमेज आया है वो ओरिजन के अलोंग आया, तो देखिए बच्चों ओरिजन के अलोंग हम ऐसे तिरछा जाते हैं, ये देखिए तिरछा, ये रहा 2, 5 आंसर आ गया। देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज 2, 5। नेक्स्ट है, वही क्वेश्चन बोला गया है कि दी कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ पी इन दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग आता है, तो देखिए यही हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे तो -2, -5 इस लाइन को क्रॉस करके जाएंगे, देखिए आंसर भी आ गया ये रहा। नेक्स्ट है, द पॉइंट 2, 3 इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x = 4 टू द पॉइंट p' फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p'। ओके, इसका मतलब ये है कि पॉइंट पी 2, 3 दिया है जिसका रिफ्लेक्शन बताना है हमें लाइन x = 4 के अलॉन्ग, वो जो पॉइंट आएगा उसका नाम रखा जाएगा p'। ओके, हम क्या करते हैं बच्चों, ये x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, x पर हम 4 काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा जो कि x = 4 का ये लाइन इक्वेशन का लाइन हो गया। ओके, फिर क्या देखोगे बच्चों, ये कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है 2, 3 इसको हम डिनोट करते हैं
1 2 2, ये रहा 3 तक काउंटिंग करिएगा, यहाँ पर आ गया। अब देखिएगा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन से कितने बॉक्स पीछे है, देखिए ये इस पॉइंट लाइन से 2 बॉक्स पीछे है, 1 box and 2 box। उसी तरीके से हम इसे आगे भी गिनेंगे, यानी 1 box and 2 box, यहाँ पर ये आ गया। बच्चों अब इसका हमेशा याद रखिएगा, जब भी लाइन वाला क्वेश्चन आएगा बॉक्स गिन के कीजिएगा तो बहुत जल्दी आंसर आएगा आप लोगों का। ये लाइन है, ये कोऑर्डिनेट है, लाइन को क्रॉस करके जाना चाहिए उतना ही डिस्टेंस जितना ये इधर है। जैसा कि देखिए ये रहा, यहाँ पर 1 1, ये 1 box हो गया, ये 2 box हो गया। एंड सेकेंडली देखिए इसको पार करा 2 box, तो अब इसका कोऑर्डिनेट देखिए क्या निकलता है, यहाँ से देखिए 6 है, यहाँ से देखिए 3 है, यानी 6.3। दी कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश इज 6.3। देखो बच्चों जो रिफ्लेक्शन चैप्टर है, जैसे कि मेरा वाई एक्सिस है, अगर मिरर को सीधा रखा गया, मान लो कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरा मैं हम लोग जैसे शीशे में मुंह देखते हैं ना मिरर में, तो हम जितना हम मिरर से जितने डिस्टेंस पर दूर होंगे उतना ही हमारा अंदर की तरफ भी इमेज बनेगा, हमारा इमेज उतना ही अंदर की तरफ बनेगा। समझ में आई आप लोगों को बात? उसी तरह हम वो क्वेश्चन में कर रहे थे। सपोज़ ये मेरा एक्स एक्सिस है, सपोज़ हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से हम देख रहे हैं इस साइड, तो हम इतना ही इधर आएंगे, जितना डिस्टेंस मिरर से हम उधर रहेंगे उतना ही इधर हमारा इमेज बनेगा। इमेज हमेशा बराबर डिस्टेंस पे बनता है, जितना हम मिरर से दूर रहेंगे उतना ही दूर बनेगा। बच्चों वही मैंने इस क्वेश्चन में किया था, इस क्वेश्चन में मैंने वही किया। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पर हूँ, मेरा पॉइंट यहाँ है, मेरा ये मिरर है, ये लाइन जो है मिरर है सोच लो बच्चों, और ये जो पॉइंट है इस मिरर से जितना दूर होगा उतना ही अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन बनेगा। तो ये देखिए सेम प्रोसेस, हम इस लाइन से जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इधर जाएंगे तो इमेज मेरा बनेगा, तो आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द पॉइंट पी 2.4 ऑन रिफ्लेक्शन इन द लाइन वाई इज इक्वल्स टू 1, जैसा अभी हमने पीछे किया था, इज मैप्ड ऑन टू पी डैश एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश। देखो बच्चों यहाँ पहले पॉइंट जो दिया रहता है, कोऑर्डिनेट जो दिया होता है उसको हम डिनोट करते हैं। हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे आप कर लीजिएगा, एक्स एक्सिस, ये देखिए मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है बच्चों। ओके ऐसे आप बना लीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है 2.4 इसको हम डिनोट करते हैं। देखिए ये प्लस प्लस है, ये पॉइंट दोनों प्लस प्लस है, यानी इस क्वाड्रेंट में आएगा, हमें पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, 2 एंड यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ये रहा 4, यानी आंसर आ जाएगा बच्चों 2.4। ये मेरा पॉइंट पी है। अब बोला गया भाई इसका रिफ्लेक्शन बताओ वाई इज इक्वल्स टू 1 पर, जो कि एक लाइन है और उसके पास ही हमें बताना है, वही हमारा पी डैश होगा। ठीक है बच्चों, तो वाई पे 1 कहाँ है, ये रहा वाई पे 1, ये मेरा वाई है, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो हम ये वाई पे 1, हम क्या करते हैं 1 से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये मेरा वाई इक्वल्स टू 1 है। बच्चों ये मैं देखिए हल्का हल्का डॉट कर देती हूँ, मेरे पास ग्राफ नहीं था इसलिए मैंने इस पर किया, और मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं बच्चों को ये चैप्टर समझाऊँ, अभी दुकानें खुली नहीं थी। ठीक है बच्चों, हम ऐसे ऐसे ग्राफ में ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं ना, ऐसे ऐसे बने होते हैं ना, देखिए ये हम ऐसे ही डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये एक और थोड़ा सा हल्का हल्का सा मैं कर देती हूँ, मैंने ये आपको समझाने के लिए किया है। ओके तो हमें क्या बोला गया है कि ये जैसे कि 2.4 है। अब बच्चों देखो ये हमारा इमेज, मैंने अभी बताया कि हम जितना मिरर के बाहर होंगे उतना मिरर के अंदर हमारा इमेज बनेगा। सपोज़ देखिए हम जितना, ये मिरर है, ये वाई इक्वल्स टू 1 ये मिरर है, ठीक है, ये लाइन है, इससे ये जो कोऑर्डिनेट है वो कितना दूर है, 3 box, देखिए 1 2 3, तो इमेज भी 3 box अंदर की तरफ बनेगा, देखिए 1 2 and 3, ये रहा। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो 2 है और वाई एक्सिस पे देखेंगे तो माइनस का 2 है। तो आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, दी कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश इज 2.-2।
टू आंसर। आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। मेरा जो कोऑर्डिनेट रहेगा, जो भी लाइन दिया होगा, मिरर लाइन जो होगा वो सोचिए एक मिरर है, हम जितना दूर रहेंगे उतना ही दूसरी तरफ हमारा इमेज बनेगा। जैसे कि मैं इस लाइन से इतनी दूर हूँ, 1, 2, 3 बॉक्स पीछे हूँ, तो 3 बॉक्स अंदर इस तरफ मेरा बनेगा, उसको क्रॉस करके जाएगा, ऐसे क्रॉस करके जाएगा, इस साइड आएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट पी -4, -5 ऑन रिफ्लेक्शन इन दी वाई एक्सेस इज मैप्ड ऑन पी डैश। इसका मतलब है एक पॉइंट पी है मेरा -4, -5। देखिए जब भी आप करिएगा तो ऐसे बना लीजिएगा। ये देखो बच्चों, ये प्लस प्लस का है, ये माइनस माइनस का होता है, ये माइनस प्लस का होता है, ये प्लस माइनस का होता है। ये कोऑर्डिनेट कौन सा है मेरा बच्चों? माइनस माइनस का, यानी हम यहाँ शो करेंगे। देखिए ये रहा माइनस का 4 एंड माइनस के 5 तक हम जाएंगे। देखिए देखिए गए 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 गए, ये देखिए इसके सामने आ गए हम लोग। क्या आया? माइनस का 4 एंड माइनस का 5। ये मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट है? देखिए पी है, हम यहाँ पी लिख लेते हैं। फिर हमसे क्या कहा गया है भाई, ये जो P है इसका जो रिफ्लेक्शन है उसको हमें कहाँ देखना है? इन दी Y एक्सिस, और उसका नाम क्या रखना है हमको? पी डैश। ओके, तो बच्चों बताओ Y एक्सिस कौन सा है? ये वाला जो सीधा होता है, ये देखिए, ये जहाँ मैंने जैसे पेन रखा है ना, ये Y एक्सिस पॉइंट मेरा यहाँ है, मैं इस साइड देखूँगी। मैंने क्या बताया, Y एक्सिस की जब बात होती है तो हम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऐसे देखेंगे। देखिए -4, -5 है, हम यहाँ से वाई एक्सिस में जाएंगे ऐसे। ये देखिए, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, आप लोग ड्रॉ मत कीजिएगा ऐसे। ये जो ब्लू कलर का है इसको बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रही हूँ कि बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये जो क्वाड्रेंट है ये प्लस माइनस का है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे? 4, -5। ये मेरा क्या निकल गया बच्चों? पी डैश। ठीक है, पी डैश निकल गया। तो ठीक है, हम आंसर लिखते हैं। आंसर है दी कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश इज 4, -5। एक आंसर आ गया बच्चों। फिर हमसे क्या कहा गया है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। द पॉइंट पी डैश, ये जो पॉइंट पी डैश है, ऑन द रिफ्लेक्शन इन द ओरिजन, इसका रिफ्लेक्शन ओरिजन के अलोंग, यानी ऐसे देखना है। ठीक है, ओरिजन के अलोंग है, उसका नाम क्या है? पी डबल डैश। बच्चों देखो, ये तो जो हमारा ये क्वाड्रेंट है ये माइनस प्लस का होता है, मैंने देखिए लिखा है माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर आंसर? क्या हो जाएगा? माइनस प्लस, यानी आंसर क्या आ जाएगा? -4, -5। तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे यहाँ पर? दी कोऑर्डिनेट ऑफ पी डबल डैश इज -4, -5। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, यहाँ तो बोला गया फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश एंड पी डबल डैश, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए पी डैश ये रहा एंड पी डबल डैश मेरा ये रहा। ओके, नेक्स्ट है, राइट डाउन अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स पी ऑन टू पी डबल डैश। ओके, ये मेरा पी है बच्चों और ये मेरा पी डबल डैश है। अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन देखूँ तो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिखेगा बताइए? कौन सा एक्सिस है? ये देखिए पी है, ये पी डबल डैश है, यहाँ से यहाँ क्रॉस करेगा, तो कौन सी लाइन को क्रॉस करेगा? वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। तो क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्शन इन दी, क्या लिखेंगे बच्चों? रिफ्लेक्शन इन दी एक्स एक्सिस, इन दी एक्स एक्सिस। समझ में आया? जिस लाइन को हम क्रॉस करते हैं वही हमारा रिफ्लेक्शन होता है। आई थिंक बच्चों आप लोगों को आज मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप उसको मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके बाय बच्चों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।